चलिए, जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं एक बार पहली बार, तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे। तो चलिए पहले ही क्वेश्चन का जवाब देना है कि अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे। तो यहाँ पर आपके जवाब आ रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पर आपका ये नंबर आपके गुप्त काल में, तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, ये गुप्त काल में है। और क्वेश्चन अगर ये पूछे कि अजंता के जो गुफाएं हैं कहाँ पर हैं, तो आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के संकेत आपको देखने को मिलते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उपनिषद क्या है। चलिए जवाब दीजिए, उपनिषद क्या है, हिंदू ग्रंथ है, हिंदू पुराण है, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है, या वेद है। चलिए टू का जवाब देना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर टू का ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। उपनिषद में उप और आप कह सकते हैं निस, है ना, ए धातु से बने हुए हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था। तो चलिए इसका भी जवाब देना है सही, इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक इनमें से कौन था, थ्री का जवाब देना है। चलिए थ्री का जवाब यहाँ पर आपके आ रहे हैं, पहला ही आ रहा है इब्राहिम लोदी, बिल्कुल जवाब सही है, इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था, है ना। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका जवाब है फर्स्ट, लगभग सभी का जवाब आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए जवाब दीजिएगा, भारत के जब आज़ादी मिली थी तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे, फोर का जवाब देना है। चलिए गवर्नर जनरल आपका नाम आ रहा है माउंटबेटन, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। चलिए आ गया है राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं कौन मध्यम मार्गी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भीमेश चंद्र बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जवाब दिया भी है, यहाँ याद रखिएगा कि जो ऑप्शन डी है आपका, ये कैसे थे, तो आपकी कांग्रेस नेताओं में बाल गंगाधर तिलक को मध्य मार्गी नहीं कहा जाता, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व किया किसने किया, अच्छे क्वेश्चन आपके हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, याद रखिएगा आज के टेस्ट पेपर से आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर सेवन का जवाब देना है, जो लोग बाद में जुड़ते हैं वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है, जैसे आते हैं वैसे वीडियो को लाइक किया करें। चलिए यहाँ पर, चलिए सेवन का जवाब आ गया है थर्ड नंबर आपके, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा कि सरदार की जो सरदार की उपाधि है यही की महिलाओं ने दिया था, ठीक है ना, कब हुआ था, तो आपकी 1928 में ये आपका बारदोली सत्याग्रह आपका हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ पर बताना है आठ नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक मानते हैं, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपके राजा राम मोहन राय को, है ना, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, ये भी डेट याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी और कब किया था, तो याद रखिएगा 1828 में। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपके बने जाते हैं, इनको कई नामों से यहाँ पर जाना भी जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। चलिए जवाब दीजिएगा, ऑप्शन को देखकर यहाँ पर जवाब सही दे सकते हैं, तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप में है, क्योंकि इसका ऑप्शन जिसका बना है ए नंबर, जिसका जिसका आंसर यहाँ पर ए आया है उसका जवाब सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसका है। चलिए भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, कथन किसका दिया गया है। चलिए 10 का जवाब देना है 10 नंबर में, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा गांधी जी की, है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बताइएगा यहाँ पर कौन सा 11 नंबर में, कह रहा आपसे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो चलिए यहाँ पर 11 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर 180 ग्रीनविच यहाँ पर दिया गया है। देखिए कौन सा राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर 0 ग्रीनविच आपका दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया है दिनांक रेखा, क्या दिनांक रेखा, और जब दिनांक रेखा बोले तब आपको क्या बोलना है, 180 ग्रीनविच बोलना है, ठीक है ना, क्लियर है ना, दिया गया है। कह रहा है भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक कौन आपका है।
चलिए यहाँ पर बताना है भूस्खलन हेतु उत्तरदायी जो कारक है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक आपसे पूछा गया है 12 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपके चट्टानों का खिसकाव होता है, वनों का ह्रास होता है, भूगर्भिक हलचल होती है, इन सभी का कारण है भूस्खलन का। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड में स्थित है, यहाँ पर देना है सही आंसर। तो 13 का ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका आ रहा है, देखो दक्षिणी दिया है तो आप सभी को पता है यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्या यहाँ पर आपका डी इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है 14 नंबर में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जल विद्युत ऊर्जा लिखा है, सौर ऊर्जा लिखा है, तापीय ऊर्जा लिखी है और आपकी नाभिकीय ऊर्जा। तो चलिए बताइएगा सबसे बड़ा जो आपका ऊर्जा का स्रोत है भारत में वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है सी नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट जिसे बोलते हैं तापी ऊर्जा, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बन जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है ना। काफी लोग जवाब दे रहे हैं जल विद्युत ऊर्जा, तो भाई जल से इतनी ऊर्जा नहीं हो पाती है, कोयले से आधारित आपकी जो NTPC है इसलिए आपकी तैयार की गई है। तो NTPC जो आपकी है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा तापी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा अवशिष्ट उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है, यहाँ पर कृषि है, न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया है, उत्पाद उद्योग दिया है और आपका पैकिंग उद्योग दिया है। कौन सा इसमें जवाब हो जाएगा 15 नंबर में। तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर थर्ड नंबर, यहाँ पर आपका उत्पाद उद्योग। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए ठोस अवशिष्ट तात्पर्य होता है कि ठोस या अर्ध ठोस, ठीक है ना, या अवलेय सामग्री, जैसे कृषि से प्राप्त होने वाला कूड़ा कचरा तोड़ फोड़, ये दुनियादारी जितनी भी आपकी होती है सब कुछ जो आपका होता है ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उत्पाद उद्योग हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन दिया है, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। जो दूसरी आपके कह सकते हैं योजना है इसमें प्राथमिकता जो दी गई वो किसे दी गई थी, कृषि को, सेवाएं को, भारी उद्योग को या विदेशी व्यापार को। तो याद होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेरल्ड मॉडल पर आधारित थी, जिसने यहाँ पर फोकस किया था किस पर, तो आपके भारी उद्योग पर, और भारी उद्योग पर ही आपके कई उद्योग आपके स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिसके पास जोत क्षेत्र है, कि इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। तो चलिए बताइएगा उड़ान योजना को जो आपका है वो कौन सा है। चलिए सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देना है 18 नंबर में उड़ान योजना। तो आपने सुना होगा कि उड़े आम नागरिक, है ना, मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा बी नगर विमानन। क्या नगर विमानन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर को प्रतिभागी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है, कर को प्रतिभागी कहा जाता है जब उसका भार होता है। तो चलिए काफ़ी लोग तो हमारे कमेंट के बाद ही जवाब देते हैं सोच समझ कर, काफ़ी लोग तो पहले ही जवाब दे देते हैं, और जिसमें अगर हम थोड़ा स्पार्ट मतलब थोड़ा स्टाफ ले लें तो उसमें सभी स्टाफ ले लेते हैं कि अब क्या होगा। तो चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर 19 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। देखो कह रहा है कर को प्रतिगामी, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है। तो 19 का ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा, यहाँ पर अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। क्या ऑप्शन इसका बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। देखा जाए तो व्यक्तिगत आय और संपत्ति के संदर्भ में प्रतिगामी कर धनी व्यक्ति की तुलना में क्या होता है, गरीब व्यक्ति का अत्यधिक बोझ डाला जाता है, है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। चलिए नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन पर है, यहाँ पर 20 नंबर में, और ऑप्शन बनेगा आपका मौद्रिक नीति। क्या होती है ये, आपकी मौद्रिक नीति होती है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुल मिला के हम लोग अपने लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन और नगद आरक्षित अनुपात, ये भिन्नताएं होती हैं और मौद्रिक नीति के साधन आपके होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है संविधान, है ना, क्या है संविधान से क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन देना है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए 21 वाले नंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर सी नंबर। तो देखिए यहाँ पर वह लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, वह सेना के तीनों अंगों का क्या सर्वोच्च सेनापति होता है, सी है, वह राज्यसभा को भंग तो कर सकता है, तो ये तो आपका नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड नंबर, है ना। तो क्या जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है।
चलिए यहाँ पर आपका 22 नंबर दिया गया है, इनडायरेक्ट तरीके से बोला गया है और इसको डायरेक्ट आंसर आपको देना है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब 22 नंबर में यहाँ पर आपका आ रहा है थर्ड नंबर। देखो यहाँ पर क्या होता है, अनुच्छेद 356 है ये क्या होता है, राज्य का शासन, मतलब कह सकते हैं जिसे बोलते हैं ना कि जो राज्य में क्या होता है जब किसी के मुख्यमंत्री सही से कार्य नहीं करता है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 356, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे। अगला पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। तो चलिए यहां पर सही जवाब क्या बनेगा, कह रहे संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। 23 का जवाब देना है, यहां पर 23 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं, वो लोग तुक्का दे रहे हैं या मेहनत से दे रहे हैं तो पता नहीं है, लेकिन यहां पर आपका जवाब हो जाएगा नंबर 42वें संविधान संशोधन आपका जवाब हो जाएगा, जो कि 1976 में था। इसमें से पंथनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्दों का प्रयोग भी किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि आर्टिकल जो 368 होता है उसके तहत संविधान में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर संशोधन किसे नहीं किया जा सकता है, 24 नंबर में देखिए इसका संशोधन हम लोग 368 के तहत नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर याद रखिएगा कि आपका दिया गया है क्या, तो चलो हम चारों ऑप्शन देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। तो देखो यहाँ पर संप्रभुता है, भूभागी खंडता है और संघीय प्रणाली है और आपकी न्यायिक प्रणाली है और आपका शासन दिया है। कुल मिला के सबसे ज्यादा जो आपका दिया गया है किसमें दिया है, तो ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। यहाँ पर देखिए डी वाले में कि यहाँ पर संप्रभुता, भूखंडी खंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। चलिए पंचायती प्रणाली सबसे पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके आपके राजस्थान, फिर इसके बाद कहाँ पर, तो आपके आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जा सकता है। जो भी जीवित कोशिका होती हैं उसमें रेडियोधर्मी तत्वों का जो पता लगा सकते हैं वो किस तकनीकी से लगा सकते हैं। चलिए 26 का जवाब देना है और यहाँ पर आपका जवाब 26 नंबर में, 26 नंबर कहाँ से आ गए भाई, ये 25 था, अच्छा 26 है। चलिए तो 26 वाले में यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं रेडियोधर्मी, मतलब आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बोलते हैं ऑटोग्राफी, क्या ऑटो रेडियोग्राफी या इसे बोलते हैं स्वविकिरणी चित्रण, ऑप्शन इसका जो बनेगा, इसका जवाब बनेगा थर्ड नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। रेडियोग्राफी तकनीकी से पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिल की फुसफुसाहट और इसे हम बोलते हैं मरमर, है ना, से क्या पता चलता है। तो चलिए बताइएगा, दिल की फुसफुसाहट आ गई है, अब इससे पता जो चलेगा वो किसका पता चल सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपके 27 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं कि दोषपूर्ण कपाट अर्थात वाल्व, फिर दिया है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास, तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब आ गए हैं ऑप्शन ए नंबर, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कपाट, है ना, दोषपूर्ण जो कपाट होते हैं ये इसे बोल देते हैं वाल्व, है ना, तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, ए नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको एक शब्द बोला जाता है, क्या इसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप द्वारा, इसकी सुन भी सकते हैं, है ना, ये जो आपके होते हैं इसको स्टेथोस्कोप द्वारा सुन भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं इनमें से 7 संयोजक बांड किसमें से होता है। चलिए यहाँ पर बताना है इनमें से 7 संयोजक जो बांड होता है किसमें होता है। चलिए 28 नंबर में, तो देखो 7 संयोजक बांड ये आपका होता है AlC3 में। यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंध बनता है तो उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, जो कि आपके AlC2 या C3 में सहसंयोजक बंध हो जाएगा, ऑप्शन आपका बन जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब गैस का रुधोष्म प्रसार किया जाता है तो वो किसके कारण ठंडी हो जाती है। चलिए बताइएगा, जब गैस का रुधोष्म प्रसार किया जाए और गैस भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, इसकी इस कारण से होता है, किसके कारण ऐसा आपका होता है। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, ऑप्शन डी, काम करने में ऊर्जा व्यय हो जाती है, क्या कि जब गैस का रुधोष्म प्रसार किया जाता है ना, या हम लोग जब निकाय में परिवर्तन होता है तो निकाय ना तो अपने बाहर के वातावरण को कोई ऊष्मा देता है और ना ही ऊष्मा ग्रहण करता है, इसे हम लोग रुधोष्म कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मेसान कहाँ पाए जाते हैं।
चलिए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मेसान, मेसान कहां पर मिलते हैं? 30 नंबर में। यहां पर मेसान, तो यहां पर आपका जवाब बन जाएगा 30 को ऑप्शन डी, लेजर बीम में होते हैं। किसमें? लेजर बीम में आपके पाए जाते हैं मेसान। ठीक है, लेजर बीम कई पल्स में मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आपके होते हैं। ठीक है, और पल्स देखा जाए तो 200 ऊर्जा जूल बहुत ही छोटे छोटे पैकेट निश्चित होते हैं। तो ऑप्शन इसका बन जाएगा कौन सा? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सामान्य हिंदी में। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम शब्द आपको बताना है। तो चलिए यहां पर आपको जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर दे सकते हैं, अब तो इजी आ गया है ना, अब तो ना पढ़ने का मन होगा और नींद भी आ रही होगी या सपने में भी पहुंच गए होंगे, कोमा में भी, तो यहां पर जल्दी से सब लोग यहां पर आ जाएंगे। चलिए बताइएगा कि अल्प का विलोम शब्द क्या होता है? अल्प का विलोम, क्योंकि जो चीज आती है उसी में मजा भी आता है सबको, जो नहीं आती उसको पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। चलिए बताइएगा कि अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्प का विलोम, तो चलिए अल्प का विलोम, यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, अल्प का हो जाएगा, यहाँ पर आपका बहु हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर अल्प क्या हो जाएगा? बहु हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? तो देखिए अंबर दिया गया है और अंबर का समानार्थक शब्द आपका नहीं है ना, तो ये 37 नंबर में यहाँ पर कौन सा हो सकता है? तो देखिए आकाश हो जाएगा, कपास हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा और आपका यहाँ पर धातु, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, धातु इसका समानार्थक आपका नहीं होता है। तो याद कर लीजिएगा ऑप्शन क्या बनेगा? डी हो जाएगा, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा 38 नंबर में? तो चलिए 38 नंबर में खीर का, खीर दिया है, जल दिया है, दूध दिया है, नीर दिया है, तो 38 को ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर आपका दूध हो जाएगा क्या? यहाँ पर दूध हो जाएगा, याद रखिए दूध आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? चलिए तत्सम शब्द आपसे पूछा है, तत्सम शब्द इनमें से सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है तत्सम शब्द में 39 नंबर में आपका जवाब आ गया है आपका फर्स्ट। देखिए यहाँ पर जो आपका अस्थि दी गई है, क्या अस्थि जो दी गई है ये क्या है? आपका तत्सम है ना, हड्डी क्या होता है? इसका जो तद्भव होता है हड्डी बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है शुद्ध वाक्य आपको कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो चलिए शुद्ध नहीं है तो देखते हैं कौन नहीं है। पहला पॉइंट दिया है, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। बिल्कुल सही पॉइंट आपका दिया गया है ना, शुद्ध बोलना है, सत्य बोलना है तो आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा, और अगर आपको गलत बोलना है तो 100 बार सोचना पड़ेगा और उसके लिए 1000 बार आप गलती बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट दिया है कि कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य, एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही दिया गया है। फिर दिया गया है कि कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपका ये वाला पॉइंट दिया गया है थर्ड वाला, तो इसमें विचार करते हैं कि आपका जवाब इसमें सही हो सकता है या नहीं। तो चलिए डी वाले को देख लीजिए, अगर डी वाला आपका है तो भी हम डी यहाँ पर सी वाले को घोषित कर देंगे। कह रहा आपसे यहाँ पर कि स्वर्ग या नरक जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है, ये आपसे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सी वाले में कह रहे हैं किसी चीज से, क्या यहाँ पर दिया है किसी चीज से प्रेरित होकर, कोई चीज है किसी चीज आपको हो जाएगा। कल मना के देखा जाए तो थर्ड नंबर में थोड़ी सी आपकी दिक्कतें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है करंट अफेयर्स, यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या नंबर में, ये पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली क्या है? अम्बोली किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? 51 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, महाराष्ट्र। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र जो आपका जवाब है, बिल्कुल आपका जवाब सही हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाला पहला राज्य बन गया है? IMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाला पहला राज्य बन गया है? 52 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, राजस्थान। कौन बन गया है? तो आपका राजस्थान इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो चलिए 53 नंबर जवाब दीजिएगा कि तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट जो बने हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा डी, पेनपा त्सेरिंग। क्या है? पेनपा त्सेरिंग इसका राइट आंसर आपका बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा कि संसद के पूर्व अध्यक्ष आपके हैं, ये संसद के पूर्व अध्यक्ष आपके रहे हैं, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन बनी है? 54 नंबर।
तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा मार्था कूम है। कौन है? मार्था कूम। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। कभी कभी कूम नहीं होता है तो मार्था करम्बू कूम, उसका नाम पूरा बोल दिया जाता है, मार्था करम्बू कूम इनका पूरा पूरा नाम हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर उर्वरक सब्सिडी है, इसमें से वृद्धि जो किया है वो कितने, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर 140%। कितनी? 140% बढ़ा दिया है। अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और इसे किसानों को 2400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक किसे चुना गया है। चलिए 56 का जवाब देना है, 56 का राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था सुबोध कुमार जायसवाल। क्या? सुबोध कुमार। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जायसवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस और अस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये आपका सम्मान दिया गया है किसे, तो आपके हैं अमर्त सेन को। यहाँ पर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, अमर्त सेन को स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमर्त सेन ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला आपकी कौन बनी है। चलिए बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला इनमें से कौन बनी है 58 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर है, ये है आपकी फर्स्ट नंबर त्यास इन हंग। क्यान? त्यास हंग इन है, ये पर्वतारोही है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 घंटे में कम समय में दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। 44 वर्ष की थी, ठीक है ना, और 25 घंटे 50 मिनट में ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, याद रखिएगा, जो कि 8848 मीटर की ऊंचाई को इन्होंने बहुत ही कम समय में फतह कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस खेल क्लब ने 2020-21 ला लीगा का खिताब जीत लिया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका दिया गया है 59 में, जो कि यहाँ पर स्पेन की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता होती है ला लीगा, ठीक है, ये फुटबॉल से आपका है ला लीगा, और ये किताब जो जीता है किसने, तो ये जीता है आपके क्या है, एटलेटिको मैड्रिड ने। किसने? एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया एंड एशियन जीपो, क्या दिया है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है। इतनी बड़ी तो पुस्तक है, थोड़ी छोटी लिख देते तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा शिव शंकर मेनन। क्या? ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट नंबर शिव शंकर मेनन, इसका हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मनमोहन सिंह के अधीन भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका सामान्य जागरूकता आपका आ चुका है। चलिए अब थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर आप मिलेंगे सरल क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, क्योंकि करंट अफेयर आपको कठिन लगती है कि नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आगामी खेल से संबंधित वीडियो बना दिया है, 10 मिनट का वीडियो है, उठाकर उसे देख लीजिएगा, सब कुछ आपको उसी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर बताना है, तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 61 नंबर में, कह रहे हैं आपके बीजिंग में होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर 61 नंबर में बनेगा डी नंबर, पेरिस में होंगे। कहाँ पर आपके, तो आपके पेरिस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जादू गोंडा किस लिए जाना जाता है, जादू गोंडा किस लिए जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, चलिए हमने इतना मीठा बोल दिया कि बफरिंग होने लगी, कह रहे सर बफरिंग हो रही है, अभी तो हमने यहाँ पर नहीं देखा बफरिंग हो रही है। चलिए बताइएगा यहाँ पर 62 नंबर में जादू गोंडा किस लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका 62 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका डी, आपके यूरेनियम के भंडारों के लिए, जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जादू गोंडा की जो आपकी खान है वो आपकी यूरेनियम की खानों के लिए जाना जाता है, जैसे आपका सिंहभूम है आपके झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेशों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको है। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो जाता है या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो अधिकार होगा इस निर्णय का वो किसके पास जाएगा, तो आपके सुप्रीम कोर्ट, हमने बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चुनाव में कोई समस्या होती है तो उसका निर्णय कहाँ पर जाएगा, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आज आपको लिए नया मिल रहा है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर अगर चर्चा की जाती है स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए होती है तो तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है।
64 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा 20 होती है कितनी, यहाँ पर आपका 20 इसका जवाब राइट हो जाएगा। कुल मिला के ऐसे दौरान में इस प्रश्न काल के दौरान में 20 तारांकित प्रश्न उठाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है, तो चलिए यहाँ पर बताना है सिक्किम की जनजाति इनमें से आपकी कौन सी है, अंगामी, भूटिया, गोंड या चेंचू। चलिए 65 नंबर में यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंगामी तो है नहीं है, है ना, क्योंकि हमने कल बताया था कि अंडमान में आपकी मिलती है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा बी भूटिया जनजाति, कौन, तो आपकी भूटिया जनजाति, याद रखिए भूटिया जनजाति, ठीक है ना। अंगामी जनजाति शायद आपको मिलेगी कोहिमा, मतलब आपकी कोहिमा नागालैंड में है ना, अंगामी जनजाति मिलती है आपकी नागालैंड में, मिलेगी नागालैंड में, ठीक है, और भूटिया आपकी सिक्किम में आपके है, क्लियर है ना। गोंड जनजाति ये मध्य भारत में मिलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। चलिए यहां पर आपका जवाब सही क्या बनेगा, चलिए पोनंग आपसे पूछा गया है और ये पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वांचल के, याद रखिएगा आप पूर्वांचल। चलिए यहाँ पर काफी लोग कह रहे हैं सर चेंचू फिर कहाँ की जनजाति है, तो चेंचू जनजाति जो आपकी है वो आपके मुख्यतः आपके असम में पाई जाती है, ठीक है, वो आपके असम में पाई जाती है, असम के आसपास के जितने भी जुड़े राज्य हैं वहां पर आपकी चेंचू जनजाति है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दंतु भोकानल, क्या दंतु भोकानल किस खेल से संबंधित है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है सही जवाब, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं नौकायान से संबंधित है, देखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा सही जवाब हो जाएगा डी, आपके नौकायान से बिल्कुल जवाब बिल्कुल राइट आया है, नौकायान से हो जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में पुरुषों की चतुष्कोणी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, इन्होंने 2018 के जो एशियाई खेल थे तो स्वर्ण पदक जीते थे, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे यहाँ पर कपड़ा, क्या दिया भैया, कर कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है, लो एक क्वेश्चन और आपको मिला है कि कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है, और ये संबंधित है आपके मध्य प्रदेश से, राइट आंसर बनेगा डी कि आपके मध्य प्रदेश से आपका संबंधित है, मतलब बाघ प्रिंटिंग प्राकृतिक रंगों से आपका सजाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंगना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं, तो देखिए यहाँ पर आपका 69 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा कौन सा, थर्ड नंबर, यहाँ पर आपका 5। कुल मिला के यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके जो भी आपके पंचायत में होते हैं तो 5 वर्षों के लिए होते हैं, सभी को पता आपकी है, ठीक है, जब तक वो बन नहीं जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है, तो चलिए यहाँ पर बताना है महाराष्ट्र की इनमें से कौन सी है, महाराष्ट्र की जो शैली है वो आपकी कौन सी है, कलम है, मधुबनी है, लघु चित्रकला है या वारली है। चलिए 70 का जवाब इनमें से क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी, आपके यहाँ पर बना है वारली, क्या है, वारली, इसका ऑप्शन बनेगा डी, वारली आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन दिया है गद्यांश से, तो कहो हम गद्यांश को भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आज का गद्यांश जीके से महत्वपूर्ण भरा हुआ है और इससे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर हम लोग गद्यांश को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है ना, जिन्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, जिनको लगता है कि गद्यांश पढ़ने से बेकूफन है तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का गद्यांश हम बता देते हैं कि गद्यांश में ज्ञान है और ज्ञान कैसा है आपकी जीके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन दिया है कि कन्नड़ साहित्य के इतिहास में कवि मुद्रण का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है, उसका मतलब असली नाम लक्ष्मी नारायण था, किसका, मुद्रण का असली नाम लक्ष्मी नारायण था, ठीक है ना। वे मंगलूर जिले के नंद किले में पैदा हुए थे, बचपन में अपनी माता के साथ पुराण और कीर्तन सुनने जाते थे, यक्षगान देखने में इनको बड़ा आनंद मिलता था, यक्षगान में अभिनय करते थे, यक्षगान लिखने में भी लगे, उड़प के एक उच्च विश्वविद्यालय में अभ्यायम शिक्षक का काम करने लगे, स्वाध्याय से अपने संस्कृत साहित्य में पंडित पाए गए, श्री रामा सुमेघ अद्भुत रामायण, कुमार विजय आदि इनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर दिया है श्री रामा सुमेघ, अद्भुत रामायण, कुमार विजय, ये इनकी आपकी रचनाएं हैं। कवि मुद्रण की पत्नी का नाम था मनोरमा, क्या, इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था, मनोरमा। घर की गरीबी के कारण कवि श्रेष्ठ अपनी 31 वर्ष की अवस्था में क्षय रोग से यहाँ पर स्वर्ग सिधार यहाँ पर हो गए थे, तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा इसका सही आंसर, जिन लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है तो वो लोग यहाँ पर जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि मुद्रण का असली नाम क्या था, चलिए जवाब दीजिएगा कि कवि मुद्रण का असली नाम क्या था, यहाँ पर जवाब देना है। काफी लोग इतने ब्रिलियंट हो गए हैं कि गद्यांश का नाम सुनकर भाग जाते हैं, ऐसे जैसे क्या होता है कुत्ता बिल्ली का खेल होता है, है ना, लेकिन एग्जाम में आपको पता है कि आना ही आना है। काफी लोग कहते हैं कि सर सॉल्व करा दीजिए, काफी लोग कहते हैं अरे सर छोड़ो ये तो सब आ जाता है ना। चलिए
देखते हैं इस बार पीटी में कितने लोग यहाँ पर दांव बनाते हैं, कितने लोग अपना सीट पा पाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कवि मुद्रण का असली नाम, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि कवि मुद्रण गांव में पैदा हुए थे, कौन से गांव में पैदा हुए थे, ये भी अभी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो मंगलुरु जिले में नंद किले गांव में हुए थे। नंद किले, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नंद किले है या नंद लिखे है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नंद लिखे। क्या, नंद लिखे इसका राइट आंसर आपका बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि मुद्रण एक उच्च विद्यालय में का शिक्षा का काम किए, कौन से शिक्षा का काम किए, तो यहाँ पर आपके व्यायाम के लिए, क्या काम किए थे, व्यायाम किए थे, ठीक है, व्यायाम। और अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि मुद्रण की पत्नी का नाम क्या था, कवि मुद्रण की पत्नी का नाम क्या था, तो मनोरमा था, ठीक है। और अगला दिया है कवि मुद्रण की रचना जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, कवि मुद्रण की जो रचना है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए इनकी आपकी रचनाएं थी रामा सुमेघ, अद्भुत रामायण और कुमार विजय थी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा, राइट, थर्ड इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया गद्यांश, यहाँ भी देखो राजा पांडव के बारे में दिया गया है, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम था पांडु, पांडु के पांच पुत्र थे जिनमें पांडव कहते थे, इनके नाम थे युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल और आपका सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे, किससे, तो आपके गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे, अर्जुन धनुष बाण चलाने में, गुरु ने एक दिन पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों ने चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा, गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो तुम्हारी क्या दिख, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने अलावा सभी राजकुमारों से कहा, मुझे पेड़ पर चिड़िया की दिखाई दे रही है, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, हमें आग दिखाई दे रही है। मतलब आप सभी लोग जानते हैं इसका, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट टेस्ट को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि पांडव के पुत्र थे, भैया पांडव पुत्र थे किसके थे, चलिए 76 का जवाब दीजिएगा, तो चलिए पांडु के पुत्रों को पांडु कहा जाता है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, तो थोड़ा समझिए, सोचिए जवाब देने से पहले समझिएगा कि पांड के क्या अर्जुन थे, भैया पांड के पुत्र पांडु थे, इनको पांडु कहते थे, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है पांडव थे, तो भैया अब थे कितने, तो आपके पांच थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है ना। और अगला दिया गया है कि पांडव गुरु द्रोणा से क्या सीखते थे, तो आपके सीखते थे क्या, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे, ठीक है ना। गुरुजी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की बाण मारने को कहा, मतलब किस पर, तो आंख में, किस में भाई, तो चिड़िया की आंख पर, तो इसका क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है बाण चलाने में निशाना लगाया, ठीक लगा किसका, तो भाई आपके अर्जुन का लगा था, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा निशाना लग गया है, गद्यांश भी सॉल्व कर लिया है, कुछ ज्ञान आपको मिल गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास भी आपकी है स्पेशल डोज, जो कि आपका स्टार्ट होता है डेली यहाँ पर इस क्लास के। जय हिंद, वंदे मातरम। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।